लेके आया क्या पर्वत? तो पर्वत कहाँ से लाया? हिमालय से। छोटा मोटा थोड़ी होगा पर्वत, बहुत बड़ा होगा तभी तो। तो लेके गया होगा, किसी को दिखा नहीं होगा। दिखा ना? किसको दिखा? उसको भरत को। भरत को? फिर वो वहीं पे होगा श्रीलंका के अंदर? नहीं, बीच में था अयोध्या में। अरे अयोध्या के लैंड लाइन सड़े, जब लंका में चल रहा था वो अयोध्या के अंदर ही होना चाहिए ना हिमालय तो। अरे डपोल अयोध्या में तो वो राम जहाँ रहता था ना वो अयोध्या था। श्रीलंका में हुआ था, हुआ था ना सब बोलते हैं। क्या जो उसका सीता का प्रण हुआ था तब वो बोल लगी लंका थी। में हुआ लंका में हुआ था ना, उससे तीर लगी थी लंका में। लंका तो जड़ी बूटी लेने गया था हनुमान हिमालय में, तो लेके कहाँ आया था पर्वत को? वहीं पे तो आएगा लंका में। लेकिन आ रहा था तो बीच में भरत ने बाण छोड़ दिया था। हाँ तो फिर वापिस तो लेके गया था ना वो। तो वह कहाँ पे अभी भी है वो हिमालय? क्या पर्वत है लंका में होगा ना? नहीं है, कुछ भी नहीं है। लंका सोने की थी, सोना कभी जलता नहीं, पिघलता है, पिघलता है, जलता नहीं है सोना। तो बैठ सोने की लंका थी, जो जल के कहाँ गई? वो पिघल के वही होगा ना, कहीं गया थोड़ी। अभी सोना लंका में ही है ना ज्यादा, तो कुछ भी नहीं है। समुद्र में चला गया सारे लंका वाले को खुद को पता नहीं है कोई सोने की लंका भी थी। न्यूज पे सर्च करके देख लो यूट्यूब के अंदर, लंका गया कोई लंका ही नहीं है वहाँ पे, श्रीलंका के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे ऐसी कोई एक और ज्ञान की बात होता, एक और फैक्ट बता ऐसा कोई गलत बता रहा हूँ, तू सर्च करके देख ले। तो तब देखेगा और फैक्ट बता। एक चीज ये भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे, जबकि है ना रियल में है ना ब्रह्म, तेरे को पता है पुष्कर में मतलब ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है? जबकि अब भगवानों के लिए बोलते हैं एक ही मंदिर, इसीलिए ब्रह्मा जी के बोलने में से आता है कि ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी ना वो इतनी सुंदर थी कि उसका दिल आ गया ब्रह्मा जी का। मैंने कहना पड़ेगा ब्रह्मा जी बच्ची। हाँ श्रीलंका में रावण का सब और सोने का किला मिलते है, कई सबूत है। अरे का घंटा मिले थे काय कर जार दिख रहा है सोने मल थे बैठ थे उन्हें सिसला लाड़ माऊ का बता मरते हो तो ये कौन मरते रावण तो। फिर वो ब्रह्मा जी ने क्या कहा पुत्री का? पुत्री से कर दिया थे बैंक, उसकी एक पुत्री भी हुई थी, पुत्री से शादी कर दिया। हाँ उसके बच्ची हुई थी। हाँ सर्च करके देख ले, पुष्कर में मिलेगा एक ब्रह्मा जी का मंदिर और कहीं भी नहीं। जो भी वो एक केले के पत्ते पे उसको टांग के आ गया था। देख बहन चले गए 7000 रुपए लेके आओ घर पे डाउन पेमेंट। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं यार। ऐसा एक और फैक्ट बता रियल में जाए और क्या बताऊं यार। ऐसे भगवान के बारे में बोला ना कि हाँ वो बता दिया ना यार। यार मान जी बहन से तो बोलते हैं बहन की कृष्ण जी के बारे में, उनके बारे में कहा होता वो कभी सही जो यार सही थे ना काय को सही जो क्या मतलब वो इंसान ऐसा है मतलब अपन किसी औरत को देखते हैं बिना वस्तु के तो अच्छा है, और वो भगवान भैंस कुछ भी कर सकता है। तो वो भैंस कितनी मतलब उसकी कितनी वो औरतें थी उसकी? गोपिया कितनी थी उसकी? भैंस कितनी करोड़ थी? है 16 करोड़। और भैंस वो राधा एक अकेली है वो भी उसमें थी। मतलब कोई इंसान एक से करे दो से करे वो तो गुनाह है, वो 16 करोड़ से कर सकता है वो सही है, फिर वो भगवान सही है। सही है क्या वो? और दूसरा लव कुछ हुआ था किसके? सीता राम का। राम के हुआ था ना? सीता के। सीता के हुआ राम के नहीं हुआ? सीता के हुआ था। सीता तो वहाँ थी ना? कहाँ पे? वहाँ पे थी बाबा के पास। कहाँ पे? रावण के पास। नहीं हाँ हाँ थी ना। तो वो कहाँ से पैदा हो गया? और दूसरा फिर जब वो इतना से जब वो कहते हैं भगवान छोड़ना नहीं थी सीता को, जब फिर सीता ने ना तो राम ने सीता को छोड़ दिया था वो लव कुश के चक्कर में छोड़ा हुआ है। तो क्या सीधा क्या वहाँ से प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? और कोई पसीने से कोई पैदा होता है क्या इंसान? मगरध्वज किसका बच्चा है? मगरध्वज किसका बच्चा है? हनुमान जी का। कैसे पैदा हुआ? पसीने से। तू करके दिखा दे पैदा, दिखा कितना पसीने से।